मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इंदौर में भाजपा युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणे की शनिवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाजपा नेता की हत्या के बाद समर्थकों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी, साथ ही गाड़ियों में तोड़ फोड़ कर उन्हें भी आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। हत्या के बाद भाजपा के विधायक गोलू शुक्ला सहित तमाम कार्यकर्ता और नेता भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी वेब न्यूज में। थाना प्रभारी विजय सिंह सिसोदिया ने बताया कि भाजपा नेता मोनू कल्याणे चिकन बाग स्थित चौराहे के पास खड़े हुए थे, तभी बाइक सवार अर्जुन और पीयूष वहां पर पहुंचे और उन्होंने मोनू से सुबह भगवा रैली का समय पूछा। सवाल पूछते ही अर्जुन ने पीछे से पिस्तौल निकालकर मोनू के सीने में 3 गोलियां दाग दी। गोली लगने से मोनू घायल हो गए और उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मोनू को मृत घोषित कर दिया। शहर में बीजेपी नेता के हत्याकांड के बाद से कार्यकर्ता और सभासदों में गुस्सा फूट गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के घर में आग लगा दी, साथ ही गाड़ियों में भी तोड़फोड़ मचाई। मामला बिगड़ता देख बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को बुलाया गया। पुलिस ने बीजेपी नेता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भाजपा नेता की हत्या करने वाले आरोपी अर्जुन और पीयूष ने पुरानी रंजिश के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता मोनू कल्याणे भगवा यात्रा निकालते थे, वह उसी की तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन अर्जुन और पीयूष दोनों भाजपा नेता से आपस में प्रतिस्पर्धा रखते थे। दोनों आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। आरोपी की तलाश के लिए क्राइम ब्रांच की 8 टीमें और 3 थानों की पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें सिटी वेब न्यूज पर।